हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं लेके आऊँगा आपके लिए बायोलॉजी से जुड़ा हुआ पार्ट सी और पार्ट बी। तो अब ये है पार्ट बी, जिसमें और भी कुछ नए एग्जाम्स हैं, नए इंस्टीट्यूट हैं जो अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइंस पार्ट बी के साथ। साइंस पार्ट बी, तो इसमें सबसे पहले आता है थर्ड पॉइंट पैरामेडिकल। सेकंड पॉइंट मैंने साइंस पार्ट ए में बता दिया है, तो थर्ड पॉइंट में सबसे पहले आता है पैरामेडिकल में डिग्री कोर्स। तो डिग्री कोर्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बीओटी, ऑप्टीमेट्री मतलब ऑप्थेमेलिक या आँख का डॉक्टर, बीएससी एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीपीओ प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थेटिक, बीपीटी फिजियोथेरेपी मतलब भौतिक चिकित्सा, और बीओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ये पैरामेडिकल का एक फील्ड है जिसमें डिग्री कोर्स है। इन सभी के लिए आप एम्स, आरयूएचएस जयपुर, डीपीयू पुणे, एनआईएलटी कोलकाता और अलियावर मुंबई जैसे बड़े इंस्टीट्यूट के एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही आप इनके बीएससी भी कर सकते हैं, इन्हीं कॉलेज के साथ इन्हीं कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देके। जैसे बीएससी में आप डायलिसिस टेक्निक, कार्डियो लेबरो टेक्निक, एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर, एमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर, मेडिकल रिकॉर्ड एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्निक। पैरामेडिकल का नेक्स्ट पार्ट आता है डिप्लोमा कोर्स, जो 2 साल के होते हैं। डिग्री कोर्स 3 या 4 साल के होते हैं। तो डिप्लोमा कोर्स में स्टार्ट करते हैं एमएलटी, डीआरटी, ईसीजी, ब्लड बैंक, डायलिसिस, परफ्यूजन, कार्डियो, ऑपरेशन थिएटर्स, इलेक्ट्रोडायग्राम, डी ऑप्टीमेट्री, एंडोस्कोपी, कैथ लैब, एमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर और डेंटल डिप्लोमा। तो ये सब डिप्लोमा होते हैं जो पैरामेडिकल में आते हैं, और इनके लिए नेशनल लेवल का या राजस्थान लेवल पे एग्जाम लगता है, एग्जाम्स बाय आरपीसी, जिसे आरसीएपीएमसी के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम देके आप डिप्लोमा में एंट्री ले सकते हैं। खास बात, बायोलॉजी के स्टूडेंट भी ले सकते हैं और मैथ के स्टूडेंट भी डिप्लोमा कर सकते हैं। तो आपने अगर एक पार्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ ऑप्शनल में मैथ लिया है, तो आपके ये फायदा भी हो सकता है। तो आप मैथ से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फार्मेसी। तो फार्मेसी या फार्मा, तो फार्मा के या फार्मेसी के 4 पार्ट है, डी फार्मा, बी फार्मा, फार्मा डी और एम फार्मा, जिसमें डी फार्मा 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है जो आरयूएच जयपुर इसका एग्जाम लेता है। फिर बी फार्मा 4 साल का कोर्स है जो भी आरयूएचएस जयपुर लेता है। इसके अलावा बिट्स का एग्जाम भी दे सकते हैं, मतलब बिट्स पिलानी का, जो जेई मेन पे या नीट के स्कोर कार्ड के थ्रू लिया जाता है, या फिर बीएचयू का, बीवीवी पुणे का और डीपीएसयूआरयू दिल्ली का। डीपीएसयूआरयू दिल्ली एग्जाम्स बहुत ही बड़ा एग्जाम्स है, जिसे देख के आप फार्मा में एंट्री ले सकते हैं और इसके बाद में प्लेसमेंट भी। फिर फार्मा डी मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मा या फिर एम फार्मा, मास्टर ऑफ फार्मा। तो इस तरह आप फार्मेसी वाले सेक्टर में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 5, स्पीच थेरेपिस्ट या स्पेशल एजुकेशन। तो इसमें भी डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स हैं। तो सबसे पहले डिग्री कोर्स, जिसे बीएएसएलपी कहा जाता है, 4 साल का कोर्स है, एज ए डॉक्टर ही आप माने जाते हैं, जिसे बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कहा जाता है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, अलियावर संस्थान मुंबई, NIEPMD चेन्नई, AIISS मैसूर या जय नारायण व्यास जोधपुर, BVP और जिपमेर जैसे बड़े इंस्टीट्यूट एग्जाम लेते हैं और ये डिग्री देते हैं। स्पेशल एजुकेशन में आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी ले सकते हैं, जिसके लिए नेशनल लेवल पे AIOAT CBT का एग्जाम लगता है, ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपको डिप्लोमा ASLP या HSS या RT या फिर और भी डिप्लोमा जिनमें एंट्री देता है। साथ आप पंचकर्म टेक्नीशियन का कोर्स भी कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान नई दिल्ली लेता है। तो दोस्तों, ये था बायोलॉजी का पार्ट बी, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे NIELD कोलकाता या फिर NIEPMD चेन्नई या फिर जिपमेर या फिर AIOAT CBT जैसे कई एग्जाम्स हैं, जिन्हें देके आप एक अच्छा कोर्स कर सकते हैं और एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह मेरा पार्ट सी भी आएगा, जिसमें कुछ और नए एग्जाम्स होंगे, नए इंस्टीट्यूट होंगे। सो देखते रहिए, लाइक कीजिए।